सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है टॉप 12 वेब सीरीज एंड वेब मूवीज जो इस वीक में रिलीज होने जा रही हैं या हो चुकी हैं। और इस लिस्ट में ओनली बेस्ट वाली ऐड की गई है। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हिट द लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना lockdown.entertainment33 पे, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी एक खुशखबरी है आपके लिए कि लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की पहली वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, जिस पे आपको सारी वीडियोस और जो भी वीडियोस हैं उनकी सारी लिस्ट देखने को मिलेगी, जिस वेबसाइट का नाम है lockdownentertainment33.wordpress.com। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। कदे कदे मैनू आपकी किस्मत ते बहुत माण हुंदा, एवें ना सिरे सिरे रोमांटिक हो जाया करो। नंबर 12 पे है 8 अक्टूबर को चौपल पे शाम को 6 बजे रिलीज होने वाली पंजाबी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज डस्टबिन, जिसकी कहानी एकदम हटके है और ट्रेलर देखकर मैं हैरान रह गया। इंडिया के अंदर पंजाबी इंडस्ट्री में इतना टैलेंट, कहानी भी 100% तो नहीं बट काफी अलग है टिपिकल टाइप की इंडियन मूवीज से, जिसके शुरू में एक मैरिड कपल की एक हैप्पी जिंदगी चल रही होती है, लेकिन एक दिन हस्बैंड की हंसती हुई जिंदगी दुख में बदल जाती है जब उसे अपनी पत्नी पे शक होने लगता है। तो इसी शक के चलते वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेने की तैयारी कर लेता है। अब ये उसका शक ही था या सच है, ये इस मूवी में आज ही देख सकते हैं 6 बजे के बाद। नंबर 11 पे है Amazon पे 7 अक्टूबर को रिलीज हुई इंग्लिश थ्रिलर मूवी सितंबर ऑफ शिराज, जो 1979 के टाइम की ईरान की सच्ची कहानी पे बेस्ड है, जब ईरान पे शरिया कानून लागू कर दिया गया था और वहाँ पे रह रही एक ज्यूइश फैमिली की जान मुश्किल में आ गई थी, जब मुस्लिम्स के अलावा बाकी सभी धर्मों के लोगों को मारना और टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया था। उस फैमिली की अपनी जान बचाने के लिए लड़ने की कहानी है ये मूवी, और जानने का मौका मिलता है कि जब एक देश में एक ही धर्म का देश बना लिया जाता है तो इसमें बहुत से मासूम परिवार बिना किसी कसूर के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। रब ना करे ऐसा किसी भी देश में हो। घर जाने से पहले तुम्हारे लिए एक आखिरी सरप्राइज। ये क्या है? अब असलियत का सामना करो। नंबर 10 पे है हिंदी डब क्राइम थ्रिलर सर्वाइवर मूवी टिल डेथ, जो 8 अक्टूबर को लायंसगेट प्ले पे रिलीज हुई है हिंदी डब में, और कहानी भी क्या गजब के ट्विस्ट वाली है, जिसका पहला हाफ तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन सेकंड हाफ में इसकी कहानी ऐसी शुरू होती है कि एंड तक इसके ट्विस्ट समझ नहीं आते, जिसके लिए मूवी को समझने के लिए दोबारा से फिर से देखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ी स्लो होने के कारण हम वहां वो इम्पोर्टेंट चीजें मिस कर देते हैं जिसके ऊपर पूरी कहानी का मतलब छिपा हुआ होता है, जिसमें मेगन फॉक्स मेन एक्ट्रेस है इस मूवी की, और उसका पति अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए लेक हाउस पे जाते हैं और अगली सुबह अचानक से पति अपने आप को गोली मार लेता है और मेगन फॉक्स उसकी बॉडी के साथ हथकड़ी के साथ बंधी हुई है और बाहर घूम रहे हैं कुछ कातिल। अब क्या राज हैं सबके, ये कहानी के फर्स्ट हाफ में छिपे हुए हैं, उसके लिए शुरू से मूवी को ध्यान से देखना। और अभी हिंदी डब में आई है तो इंडियन ऑडियंस के लिए समझना और भी आसान हो गया है, क्योंकि इंग्लिश में वो अटैचमेंट नहीं हो पाती है। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब एनिमेशन वेब मूवी पोकेमोन सीक्रेट्स ऑफ द जंगल, 8 अक्टूबर को रिलीज हो गई है, जिसे आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और बाकी पिकाचू और बाकी जैपनीज एनिमेशन वाले फैंस के लिए बढ़िया मूवी होने वाली है, जो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसका मैं तो फैन नहीं हूँ। तो आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की बाकी सीरीज की ओर। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली क्राइम थ्रिलर इंग्लिश वेब सीरीज, जो सच्ची घटना पे बेस्ड है, जब दो जनों ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल पे कोर्ट में केस कर दिया था कि 2005 में गूगल की ओर से लॉन्च किया गया गूगल मैप का असली प्रोग्राम उनका है। उन्होंने ये सारा प्रोग्राम 1990 के दशक में बनाया था, जिसको गूगल ने चोरी किया या कॉपी किया भी कह सकते हैं। उसी पूरी इन्वेस्टिगेशन और केस स्टडी को दिखाया जाएगा इस सीरीज में, जिसमें आपको जानने का मौका मिलेगा कि पूरी दुनिया में कॉपीराइट कानून कैसे काम करता है। फिलहाल ये सीरीज इंग्लिश में ही अवेलेबल हो रही है। क्या तुम सुन रहे हो? हाँ, आराम से कमी नहीं कहीं।
नंबर सात पे है एक्शन थ्रिलर वॉर बेस्ड हिंदी डब में 8 अक्टूबर को बुक माई शो पे रिलीज हुई मूवी आउटपोस्ट, जिसकी कहानी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, जिसमें अमेरिकन आर्मी की एक टुकड़ी जो अफगानिस्तान में रहते हुए तालिबान के टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं कि असल में अमेरिकन सोल्जर्स की जिंदगी कैसी होती थी। खैर अब तो वो वापस जा चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिकन सोल्जर्स ने कितनी मुश्किलों के सामना किया वो इस मूवी के थ्रू दिखाया गया है, और बढ़िया VFX के साथ एक्शन जो हमको असल वॉर वाली फील्ड पे ले जाता है। नंबर छह पे है इंग्लिश डब क्राइम थ्रिलर टर्किश वेब मूवी ग्रज, जो 8 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई बढ़िया थ्रिलर मूवी है, जिसकी कहानी एक पुलिस ऑफिसर के इर्द गिर्द घूमती है जिसने अपनी जिंदगी और करियर में अच्छे बुरे दोनों तरह के काम किए हैं, जिनमें से एक बुरे काम का शिकार एक बंदा अब उसकी जिंदगी में दखल देने आ रहा है, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर एक खून कर बैठता है। अब इस पूरी कहानी में कैसे वो इस खून को छिपाता फिर रहा है वो काफी थ्रिल और सस्पेंस पैदा करता है, और एंड तक ये मूवी हिंदी वेब सीरीज योर ऑनर जैसी फीलिंग देने वाली है, ये तो पक्का है। नंबर पाँच पे है हॉयचॉय की बंगाली डार्क कॉमेडी वेब सीरीज एकन बाबू का सीजन 5, जो 8 अक्टूबर को हॉयचॉय पे रिलीज हुई, और लगता है जल्दी ही इसके सारे सीजन हमें MX प्लेयर पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे, जैसा हॉयचॉय की बाकी सीरीज के साथ भी होता है। इस सीरीज की कहानी है एक आम से भी ज्यादा आम दिखने वाले आदमी की, जो अपनी जिंदगी में डिटेक्टिव का काम करता है और छोटे मोटे केस सॉल्व करते हुए अपना खर्चा पानी चलाता है, लेकिन अब हर सीजन में उसके पास एक बड़ा केस आता है जिसे वो सॉल्व कम करता है और बिगाड़ता जाता है, मींस एक मस्त मौला टाइप का आदमी जो अपनी हरकतों से हमें काफी हंसाने वाला है, लेकिन हिंदी डब के लिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, जो पक्का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन MX प्लेयर पे जल्दी ही देखने को मिल सकती है। जया, वो फिल्म वाली हमें बताएगी। नंबर चार पे है बॉलीवुड की हिंदी पॉलिटिशियन पे बनी बायोग्राफी मूवी थलाइवी, जो 10 अक्टूबर को अमेजोन पे रिलीज होने वाली है, जिसमें कंगना रनौत एक इंडियन पॉलिटिशियन जयललिता की जिंदगी को दिखाती है कि कैसे अपनी यंग एज में एक एक्ट्रेस बनने के बाद कैसे वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनी और कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ी अपनी जिंदगी में। बट एवरेज सी मूवी है जिसे टाइम पास के लिए देख सकते हैं, क्योंकि मूवी का स्क्रीन प्ले और एक्ट्रेस की लुक्स और कहानी सब वो 80s और 90s वाली मूवीज के जैसे दिखाया जाता है, तो वैसी ही कुछ फीलिंग भी आती है, बाकी कहानी में भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, तो वन टाइम वॉच एवरेज मूवी है। नंबर तीन पे है नेटफ्लिक्स की इंग्लिश वेब सीरीज रिवरडेल का सीजन 5, जो 8 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में ही रिलीज हुई, जो एक CW की ओरिजिनल क्राइम मिस्ट्री सीरीज है, जिसके पिछले 4 सीजन भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं, जिसमें कहानी है एक टाउन की जिसका नाम है रिवरडेल, जहां पे टीनेजर्स का एक ग्रुप अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन फिर वो एक क्राइम के जाल में इतना उलझ जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता उन्हें, जिसको कंटिन्यू करते हुए CW की ये सीरीज 5वें सीजन तक पहुंच गई है, जो नेटफ्लिक्स पे वन ऑफ द पॉपुलर सीरीज में से एक बनी हुई है। In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the... नंबर दो पे है 8 अक्टूबर यानी आज नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई हिंदी डॉक्यूमेंट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज द हाउस ऑफ सीक्रेट्स बुरारी डेथ्स, जिसको बिल्कुल असल दिल दहला देने वाली सच्चाई के साथ दिखाया गया है, जिसे देखकर हर आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। So the me resides in this as me. नंबर एक पे है 8 अक्टूबर को Z5 पे रिलीज होने वाली क्राइम थ्रिलर हाइस्ट वेब मूवी राजा राजा छोरा, जो अभी तो तेलुगु में ही रिलीज हो रही है, लेकिन इसकी हिंदी डबिंग का काम भी चल रहा है, जो इस मंथ के एंड में या नवंबर में देखने को मिल सकती है, जिसमें कहानी है एक चोर की जो शुरुआत में छोटी छोटी चोरियां करता रहता है, लेकिन एक दिन वो अपनी माँ की बात मान के बड़ी चोरी करने का डिसाइड करता है। अब क्या है ये बड़ी चोरी और उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा या उसको सीधा जेल भेजने वाली है ये चोरी। तो आज की लिस्ट में इतना ही, बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक ID पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।